दोस्तों, मैं निहाल अहमद किशनगढ़ फार्म से। आज हम जो ठंडी के मौसम में किसानों को सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी परेशान करता है तो वो बीमारी है निमोनिया। तो मैं आपको निमोनिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बकरियों को ठंडी के मौसम में निमोनिया से कैसे रख रखाव करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस बीमारी का पहचान, लक्षण और बचाव और दवा। आज हम तीन टॉपिक क्लियर करेंगे, लक्षण, बचाव, दवा। पहला, इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसे फेफड़ा रोग भी कहते हैं। बकरियों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारी या निमोनिया प्राय अधिक मात्रा में होती है। इस रोग में पशु के फेफड़े में श्वसन तंत्र में सूजन आ जाता है और इस रोग के कारण बकरियों में तथा उनके बच्चों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। तो अगर इस टाइप का लक्षण आपकी बकरियों में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो निमोनिया है। निमोनिया का लक्षण क्या है? ठंडी के मौसम में यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और बकरी को तेज बुखार आता है तथा उसके मुंह एवं नाक से पानी जैसा द्रव निकलता है। बकरी खाना पीना छोड़ देती है तथा झुंड से, समूह से वो अलग थलग रहना चालू कर देती है। निमोनिया एक श्वसन रोग है। होने के कारण बीमार पशु को सूंघने, छींकने से स्वस्थ पशु के अंदर भी ये बीमारी फैल जाती है। बचाव क्या करना है? बचाव में है बकरियों को जो रहने का जगह है, वातावरण है, उसका उचित प्रबंधन करना है तथा उसे जो पूर्ण आहार है, खाना पीना है, उसे देना है। इस बीमारी से बचा जा सकता है। बकरियों व खासकर बच्चों को अधिक ठंड से बचाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं दवा में। दवा में जो है, आपको निमोनिया जब भी आपकी बकरी को हो जाए तो दो ही दवा चलाइए, एंटीबायोटिक आप चलाइए सीधा सीधी। इसमें होता क्या है कि आपकी बकरियों का जो है बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और कम होने के कारण ही बकरियों में सर्दी हो जाता है और सर्दी होने से क्या होता है, नाक जाम हो जाता है और फिर जल्दी सांस लेने की कोशिश करती है और बकरी हार्ट फेल करके मर जाती है। तो सबसे अच्छा दवा है आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, आप 3 ml दे जवान बकरी को, या इंटरसेफ्ट ताजो 562 नंबर आता है वो आप दे। लेकिन ये जो भी दवा, जो भी आप इंजेक्शन दे रहे हैं, कम से कम इससे 3 से 4 दिन लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी बकरियां जो है रिकवर हो जाती है। दूसरी सावधानी ये बरतना है आपको कि हमारी बकरियों को निमोनिया ना हो, तो आपको सावधानी ये बरतना है कि आप अपनी बकरी को कभी ज़मीन पर ना बैठाएं, बांस का फट्टी चाली बिछा के उसके ऊपर भी बैठाएं। और अभी क्या करें